लिटन दास की इस ताबड़तोड़ 50 ने 21 गेंदों में 50 रन बनाने की वजह से भारत मैच में काफी ज्यादा फंस चुका है। भारत यहाँ पे ये मैच हार भी सकता है क्योंकि अभी एडिलेड पे तो बारिश हो रही है और बारिश हो भी रही है कब, जब 5 ओवर होने के बाद। अभी 5 ओवर हो गए तो इस मुकाबले का रिजल्ट भी आ सकता है अगर ये ऐसा ही शुरू रहा तो। फिलहाल बांग्लादेश 17 रन आगे है डीएलएस मेथड से जो रन रेट होना चाहिए उनका, क्योंकि लिटन दास ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है कि उस वजह से अगर यहाँ पे मैच रुका बारिश की वजह से तो बांग्लादेश को जिताया जाएगा। और उम्मीद यही है कि यह मैच हो, क्योंकि पहले तो बारिश और उसके बाद लिटन दास ने जो पारी खेली है उस वजह से काफी ज्यादा भारत फंस गया है इस मैच में। अगर ये मैच हार जाता है भारत तो बहुत मुश्किल है। बात करें इंडियन बैटर्स की तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बैटिंग के दौरान। विराट कोहली कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छे कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं रन। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी ताबड़तोड़ रन बनाए, केएल राहुल भी फॉर्म में वापस आ गए, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इंडियन बैटिंग ऑर्डर के लिए। और एक बार फिर अक्षर पटेल और दिनेश कार्तिक ने नाराज किया उनके बल्लेबाजी से। इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए, बावजूद 6 विकेट खोए उन्होंने। और बांग्लादेश ने 7 ओवर में 66 रन बनाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बारिश रुके और ये मैच पूरा हो, क्योंकि अभी तो हार रहे हैं हम। और डीएलएस मेथड के अनुसार अभी बांग्लादेश 17 रन आगे है भारत से, अगर मैच नहीं होता है तो मैच गया।